वार्ड क्रमांक 19 के रहवासियों ने प्रशासन के समक्ष शिकायत की है कि उनके बीपीएल सूची से नाम काट दिए हैं, जिससे उन्हें योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है। जो भी आपकी आपत्ति होगी हमारे जमा करा होगा। बाबू जी है ना, आपने जमा कराने के लिए बुला हमने व्यवस्था रखी है उसके जमाने की। उपभोक्ता आपके पास आने मुझे राशन कार्ड सलाम कर दिया, सर क्या कहेंगे? ये जो है मध्य प्रदेश शासन खाद्य विभाग की तरफ से इस तरह की स्कीम चल रही है कि जो गैर निवासी लोग हैं और जो रह नहीं रहे हैं और उसके बावजूद भी उन्होंने जो है अपात्रता होने के बाद भी उनका राशन इधर उधर हो रहा था, तो एक ऐसी एक्सरसाइज अभी चल रही है, ये एक अभियान चल रहा है, प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में अभी इन लोगों के नाम कटे नहीं है, वहाँ चस्पा किए हुए हैं और आपत्ति मंगाई है कि आपका नाम यहाँ से काटा जा रहा है, आपको क्या कहना है। तो ये लोग वही होंगे कि इन्होंने यहाँ दावा प्रस्तुत करेंगे कि हम यहाँ रह रहे हैं, इनके दावे की जांच कर लेंगे और यदि अपात्र नहीं हुए तो इनको यथावत रखा जाए। आपका कैलाश यादव, कहाँ रहते आप? वार्ड नंबर 19 में। क्या हुआ जो आप कलेक्टर आए थे? कलेक्टर ऑफिस में इसलिए आते हैं SDM साहब के इधर कि हमारे वार्ड नंबर 19 की जो कंट्रोल है राशन सामग्री वाली, उसमें 210 लोगों के जाने अनजाने 280 लोगों के नाम कट चुके हैं। उनको SDM साहब को हम आवेदन देने आए थे कि जो नाम कट गए उनको पुनः चालू किया जाए जिससे कि पूरे परिवार के जो लोग हैं उनको पूरा राशन मिल सके, उन्हें राशन चालू हो जाए। और बस यही हम SDM साहब को ज्ञापन देने आए।